everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to tell you the documents that you need to have whenever you're going to apply for the interview of a cabin attendant. So first of all, you need to have your resume or your CV that you need to have whenever you're going to apply for a job, and in which you will have to mention your name, address, contact number and your educational qualification details, your work experience if you have any, and your career objectives and hobbies, strengths, and your personal information, which consists of the name of your father and his contact details. Then in the end, you need to write the declaration that the things that you have mentioned in your CV or your resume are right or correct. So I have a suggestion for you all. Whenever you make your CV, just keep this in mind कि आप जो भी चीज़ें उसमें mention कर रहे हैं, be it your qualities, your strengths or your hobbies, just keep that in mind कि वो सब कुछ आपके अंदर होनी चाहिए, वो सारी qualities, वो सारी strengths आप में होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी वो चीज़ mention करते हैं, जो भी चीज़ें आपने mention करी है आपके resume में, interviewer always have this tendency कि वो cross question करते हैं आपके रिज्यूमे में से देख करके, जो भी चीज़ें आपने उसमें मेंशन की है, बी इट योर वर्क एक्सपीरियंस, बी इट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और योर स्ट्रेंथ और योर हॉबीज, तो ये जो भी चीज़ें होती है उनसे रिलेटेड कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यूअर आपसे कर सकते हैं. और अगर उन्हें ये चीज़ क्रॉस चेक करनी है कि आपने उसमें जो भी मेंशन किया है वो सही है या नहीं है, तो भी उनके पास में बहुत सारे तरीके हैं कि वो आपसे कैसे भी मतलब घुमा फिरा के कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेज करेंगे कि आप अगर उसको आंसर कर पा रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर आप वो चीज़ आंसर नहीं कर पा रहे विद फुल कॉन्फिडेंस एंड आप प्रॉपरली उस चीज़ का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपने जो भी चीज़ें उसमें मेंशन करी है वो सही है या नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि आपने लिख दिया सिचुएशन हैंडलिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, यू हैव गॉट गुड सिचुएशन हैंडलिंग स्किल्स, तो अगर इंटरव्यूअर को ये चीज़ क्रॉस चेक करनी है तो ही विल गिव यू सम सिचुएशन ऑन द स्पॉट एंड यू नीड टू यूज़ योर सिचुएशन हैंडलिंग स्किल्स एंड यू नीड टू आंसर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर आप वो चीज़ आंसर नहीं कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि हाँ, आपने जो भी उसमें मेंशन किया है वो गलत मेंशन किया है, एंड वो एक आपका नेगेटिव साइड शो करता है जो कि नहीं होना चाहिए जब भी आप एक इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं या आप जब भी एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, तो कोई भी आपका नेगेटिव साइड उनके सामने फ्लैश नहीं होना चाहिए. अदर दैन दिस, वॉट एवर यू मैंशन इन योर रिज्यूमे मस्ट बी वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग एंड समथिंग डिफरेंट, बिकॉज when the interviewer reads your resume, he must feel that there is something different about this particular candidate, because there will be so many candidates coming for the particular interview, and every individual have some or the other qualities in themselves which is different about them. So you should know ki aapke bare mein kya aisi cheez hai jo different hai baki candidates se, aur wo cheez aapko apne resume mein mention karna bahut zaruri hai. जब भी आप अपने रिज्यूमे में कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ जो आपके बारे में मेंशन करते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है आपके बारे में, आपके क्वालिटीज़ में, आपके इंटरव्यूअर के सामने. तो वो आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी दूसरे कैंडिडेट से अलग दिखें, और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या डिफरेंट है, क्या बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है आपके बारे में जो आपको मेंशन करना चाहिए आपके रिज्यूमे में. अदर दैन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, your resume is done, then you should have your passport, Aadhaar card and your voter ID, mark sheet of your 10th and 12th, and you must have your experience certificate if you have worked in some organization earlier. So that's all for today. I will be coming soon with my next video, and till then please keep watching and sharing my videos, please like my videos, comment and please subscribe if not done yet. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much.